चतुर्थ लहर के बचाव हेतु भिलाई 3 के स्वास्थ्य केंद्र में 12 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया गया, साथ ही छात्राओं को टीका लगवाने की अपील की गई। कोविड 19 के चौथी लहर के बचाव हेतु कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 व शहरी स्वास्थ्य केंद्र चरोदा के स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु के छात्र छात्राओं के लिए प्रत्येक वार्ड में टीकाकरण किया जा रहा है। पालकों से अपील की जा रही है कि सेकेंड डोज के लिए अपने मोहल्ले की मितानिनों के साथ संपर्क करें और क्षेत्रीय ANM को सूचना देकर सेकेंड डोज लगाकर पूर्ण करें। स्कूल शिक्षा विभाग भी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पालकों को निकटतम टीकाकरण केंद्र की जानकारी देकर 100% टीकाकरण करने की अपील की। वैसे ही अन्य आयु के वर्ग वालों के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रत्येक वार्ड में हो रहा है। वहीं भिलाई 3 मंगल भवन केंद्र पूरे जिले में टीकाकरण कार्य प्रथम स्थान पर है। 12 से 14 वर्ष की जो आयु के छात्र छात्राओं का टीकाकरण स्कूल टीकाकरण सत्र के दौरान चालू हुआ था, तो उस समय स्कूलें चालू थी जिसमें उनको फर्स्ट डोज लग गया बहुत से छात्र छात्राओं को। अभी दिक्कत ये आ रही है कि स्कूलों में भीषण गर्मी के कारण अवकाश लगा हुआ है और हम जहाँ जहाँ सत्र आयोजित कर रहे हैं वहाँ बच्चे छुट्टियों में हैं, पालक के पास हैं, इधर उधर चले गए हैं, तो पूरे 20 बच्चे इकट्ठा नहीं होने से 20 का डोज आता है और 20 बच्चों के लिए इकट्ठा करना ANM के लिए बहुत कठिन मितानिनों को संग्रह करने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरा स्कूल प्रबंधन से स्वास्थ्य विभाग से एक अपील है कि एक समन्वय स्थापित करके स्कूल के टीचरों के ग्रुप में जहाँ पेरेंट्स के साथ उनका नंबर इंक्लूड रहता है कि अगर हम स्कूल में एक दिन सत्रों को आयोजित करें तो सेकंड डोज आसानी से लग सकती है, ताकि उन बच्चों का समय पर सेकंड डोज लग जाए और हमारा टीकाकरण का जो कवरेज है वो भी 100%। बहरहाल शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड 19 की चौथी लहर से बचाव हेतु कोविड वैक्सीनेशन बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हैं। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।